नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीबीसी ब्रेकिंग में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बाप मूवी के बॉक्स ऑफिस प्रोडिक्शन के बारे में, और वहीं आप लोग बताएंगे कि बाप मूवी का क्रेज और बस कितना ज़्यादा बना हुआ है, और बाप मूवी को जो कि ऑडियंस की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। दोस्तों अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। हालांकि 90 के दशक के सारे हीरो जो कि अब एक साथ इकट्ठा होने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही सुना, जो कि बाप मूवी में आप लोगों को जोरदार एक्शन और वही दोस्तों जोरदार डायलॉग सुनने को तो मिलने ही वाला है, लेकिन इस फिल्म में आप लोगों को जो कि सनी देओल नजर आएंगे। और वही दोस्तों आप लोगों बता दें कि सनी देओल ने बहुत ही जोरदार तरीके से कमबैक किया है बॉलीवुड में, और वहीं दोस्तों उनका साथ देते हुए नजर आएंगे संजय दत्त, और वहीं आप लोगों को बताए चले कि मिथुन और वहीं जेके श्रॉफ भी इस फिल्म में दमदार और जोरदार रोल में नजर आने वाले हैं। बाप मूवी वाकई में जो कि बाप है, और वहीं दोस्तों बाप मूवी का क्रेज बहुत ही ज़्यादा है ऑडियंस के बीच में, और ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और इस फिल्म का इंतजार बहुत ही बेसब्री से कर रही है। हालांकि इस फिल्म की अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन यह फिल्म बहुत ही जल्द सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इस फिल्म के मेकर जब भी इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस करेंगे आप लोगों को जीबीसी ब्रेकिंग पर इसकी लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। आप लोगों को बताइए चले कि सनी देओल और वही दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जेके श्रॉफ और वही संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती एक साथ जब सिनेमा घरों में आएंगे तो सारे हेटर्स की बोलती बंद कर देंगे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो यह फिल्म अपने पहले दिन जो कि 30 से 35 करोड़ रुपए की जो कि ओपनिंग लेगी, और वहीं दोस्तों एक नया रिकॉर्ड कायम करने वाली है। दोस्तों आप लोग बाप मूवी का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।